सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हमें किसी महान व्यक्ति के आदर्श या विचार पढ़ने की जरूरत नहीं, वो तो हमारा विचार ही बहुत ऊंचे हैं। जरूरत तो है उन्हें अमल करने की। खामोश रहना किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। निडर होकर आगे बढ़ने का मतलब है कि अपने डर पर विजय प्राप्त कर लिया है, बस अब मंजिल को हासिल करना बाकी है। आज का पंचांग 6 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, रात्रि 2:09 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र रात्रि 2:35 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 3:35 से 5:07 तक रहेगा। आज का विजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:06 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। धनुराशि 6 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार, आपको आज बहुत सारी चीजों से जुड़े अपने वादों को निभाना है। अपनी सामाजिक वित्तीय तथा निजी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार रहें। आपके परिजनों दोस्तों और सहकर्मियों सभी को आपसे मदद की अपेक्षा रहेगी और आप इस दबाव को सह पाने में बिल्कुल समर्थ हैं। आज अपने शब्दों और कामों दोनों ही तरीकों से लोगों की मदद करेंगी। आज आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य योजनाबद्ध तरीके से पूरा हो जाएगा। इससे आपको काफी हद तक मानसिक सुकून मिलेगा। कोई उधार दिया हुआ पैसा भी वापस मिलने की पूरी संभावना है। युवाओं को अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई में उचित सफलता भी मिलेगी। कठिन वक्त में कौन आपका साथ देता है इस बात को जान लेने की आवश्यकता होगी। कुछ लोगों के साथ भले ही आपकी बातचीत ठीक तरीके से नहीं होती, फिर भी समय आने पर आपको उन्हीं के द्वारा हमेशा मदद प्राप्त हुई है। ऐसे लोगों के साथ संबंध को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। सेहत से संबंधित कुछ बातों की वजह से काम को ठीक से कर पाना आपके लिए कठिन हो सकता है। पार्टनर की भले ही आपको मदद करने की क्षमता ना हो, लेकिन वह आपका साथ नहीं छोड़ते, इस बात को जानिए। शरीर पर लगी हुई चोट को नजरअंदाज ना करें। सावधानियां, ध्यान रखें कि कोई छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए अपने दिनचर्या व्यवस्थित तरीके से व्यतीत करें। महिलाएं अपने मान सम्मान को लेकर ज्यादा सजग रहें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक वातावरण सुखद तथा सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं को डेटिंग पर जाने के अवसर सुलभ होंगे। आज अपने साथी के साथ बाहर जाने का उपयुक्त समय है। इस समय का कुछ हल्की फुल्की बातों से आनंद लें। किसी तरह की प्रतिबद्धता से बचें। साथ ही साथ अपने साथी की भावनाओं को तौलने की कोशिश ना करें। आपका साथी भी जश्न के मूड में है और किसी तरह की प्रतिबद्धता से बचने की मुद्रा में है। हालांकि अभी सब कुछ थोड़ा जल्दबाजी होगी। आपका यह रिश्ता बहुत गहरा होकर फैल सकता है। यह एक सीढ़ी की तरह बचने के बाद टाइट फेस हो सकता है। अच्छे समय का आनंद उठाएं। बात करते हैं करियर की। शोध विद्यार्थियों को आज के दिन शुभ संदेश मिल सकता है। जो विद्यार्थी आज के दिन प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं, वे भी अपनी आशा से ज्यादा अच्छी परीक्षा देंगे। परंतु समय के अनुसार निर्णय और काम करना काफी महत्वपूर्ण होगा। इन घटनाओं से आपको जो अवसर मिल रहे हैं, आपको शीघ्र अति शीघ्र इनका उपयोग करना होगा, अन्यथा अवसर हाथ से निकल सकता है। आपको एक कठोर और कठिन निर्णय
अपने कार्य क्षेत्र या करियर की सुरक्षा के लिए लेना पड़ सकता है। व्यवसाय संबंधित आपके प्रयास तथा परिश्रम के उचित परिणाम हासिल होंगे। इस समय सारी व्यवस्था उचित बनी रहेगी। स्टाफ तथा कर्मचारियों का भी उचित सहयोग रहेगा। नौकरी में अपने सहकर्मियों के साथ संबंध खराब ना होने दें। बात करते हैं सेहत की। आपकी शारीरिक सेहत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मानसिक तनाव की वजह से काफी थकान और आलस्य महसूस कर रहे हैं। आप आज ऐसे किसी भी काम में भाग नहीं लेना चाहते जिससे आपको तनाव हो। इसकी बजाय आज आप बाहर बैठकर धूप या हवा खाना चाहते हैं। आराम से दिन बिताएं, खूब पानी पिएं और कल सुबह तरोताजा उठने के लिए पर्याप्त नींद लें। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।